दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M30s आपको देखने को मिल चुका है और इस फोन का प्राइस रखा है सैमसंग ने 13999, जहां पर आपको मिलती है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, इस बार सैमसंग ने एक्चुअल में टक्कर दे दी है रियलमी और शोमी को। अब से पहले क्या था, हमारा जो माइंड है वो सेट था, अगर हमें सैमसंग का फ़ोन लेना है तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अगर हमें डिस्प्ले अच्छा मिलेगा तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी तो डिस्प्ले नहीं मिलेगा। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सारे बॉक्स चेक किए हैं। ये एक्चुअल अपग्रेड है सैमसंग गैलेक्सी M30 का, मतलब आप देखोगे हर पॉइंट पे अपग्रेड है। सबसे बड़ा अपग्रेड है बैटरी को लेकर, इसमें आपको मिल रही है 6000 mAh की बैटरी, जो कि पहली बार इंडिया में हमें इस प्राइस पे देखने को मिल रही है। सैमसंग M30 में थी 5000 mAh की बैटरी। डिजाइन में भी यहाँ काफ़ी फर्क है इन दोनों स्मार्टफोन्स में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। मजे की बात यह है, बैटरी इसमें बड़ी है, लेकिन फिर भी ये फोन आपको हाथ में लेकर उतना हैवी नहीं लगेगा। साथ में आपको USB-C टाइप पोर्ट भी मिल जाएगा और बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा 15W का फास्ट चार्जर। उसके बाद इसका सेकंड हाईलाइटिंग फीचर है इस फोन का कैमरा। यहाँ पर आपको रियल में ट्रिपल कैमरा मिल रहा है और प्राइमरी कैमरा है 48 MP का, सेकंड कैमरा है 8 MP का जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और थर्ड कैमरा है 5 MP का जो कि काम आता है डेप्थ मेजर करने के लिए। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 MP का। ऑन पेपर इसका कैमरा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब ये एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। जल्दी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, साथ में गिवअवे भी होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताना जरूर है आप। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है इन्फिनिटी यू नोच के साथ, 6.4 इंच का डिस्प्ले है फुल HD प्लस वाला, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको कमाल का देखने को मिल जाएगा, कोई भी आपको शिकायत नहीं होगी इसके डिस्प्ले के साथ। बेजल्स भी यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91%। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको M30s कैसा लग रहा है प्राइस के हिसाब से, और आप इस फोन का किस फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताना मुझे, मैं जल्दी आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँगा। इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एक्जीनोस का 9611। सैमसंग ने अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी A50s में भी यही प्रोसेसर यूज़ किया था। अब आपको जिस प्राइस पर यह प्रोसेसर मिल रहा है वो मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी बात है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको टॉप क्लास की देखने को मिल जाएगी, कोई भी आपको शिकायत नहीं होने वाली। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 से तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल अपग्रेड। डिस्प्ले दोनों का सेम है, उसके अलावा आपको हर पॉइंट में अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन में बिल्कुल अलग है दोनों स्मार्टफोन्स, कैमरा दोनों का बिल्कुल अलग है। इस बार आपको मिल चुका है 48 MP का प्राइमरी कैमरा। उसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। उसमें था 7904, इस बार आपको मिल चुका है 9611। बैटरी यहाँ पर 6000 mAh की मिल रही है आपको, पहले आपको दी गई थी 5000 mAh की बैटरी। बल्कि मैं कहूँगा जो सैमसंग गैलेक्सी M40 आया था इसका भी बड़ा अपग्रेड है M30s। आपको यहाँ पर बैटरी कम दी गई थी, इस बार आपको इससे डबल बैटरी देखने को मिल रही है। हेडफोन जैक यहाँ से मिसिंग था जो कि अब आपको मिल चुका है, और साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर नहीं मिलता था जो कि अब आपको मिल चुका है इससे काफ़ी कम प्राइस पे। ट्रिपल स्लॉट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था हाइब्रिड सिम स्लॉट, अब आपको मिल चुका है ट्रिपल स्लॉट M30s में। मैं आपको ये कह सकता हूँ जो इस बार सैमसंग ने प्राइसिंग रखी है, फिर चाहे वो M30s की या हो M10s की, दोनों की प्राइसिंग ज़बरदस्त है। M10s में आपको पहली बार 9000 में मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि अब से पहले हमें किसी और ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिला। बैटरी वहाँ पर है 4000 mAh की, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है, और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा, और साथ में USB-C टाइप पोर्ट भी आपको मिल रहे हैं M10s में भी, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन बन चुका है 9000 की रेंज में। मैं अलग से वीडियो लाऊंगा इन दोनों स्मार्टफोन्स पर, उसका वेट कीजिएगा। आप बताओ मुझे कमेंट्स में कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लगे, M30s और M10s। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।